आकस्मिक चिकित्सा प्रारंभ है। रूटीन मरीजों को हमने मना किया कि वो नहीं आए, जो भी इमरजेंसी वाले केसेस उन्हीं को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अपील के अनुसार खातेगांव पूरा नगर बंद है और पूरी जनता का सहयोग मिल रहा है। जनता निर्देशों का पालन भी कर रही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से बचने का प्रयास है वो किया जा रहा है, या बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत अच्छी बात मैं जो कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप्स लिए कि सीमाएं बंद करना, फ्लाइट्स रोकना, ये भारत पहला देश था जिसने सबसे पहले ये कार्य किया। इसके कारण इस देश में संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया। अति घनिष्ठ आबादी होने के बावजूद भी इस देश में संक्रमण बहुत कम हुआ। इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को देना चाहिए इस देश की, कि चिकित्सक और पूरा स्टाफ तन मन से रात दिन काम में जुटे, अपनी खुद की न परवाह करते हुए। और प्रधानमंत्री जी के जो स्टेप्स लिए उसकी तो तारीफ करना बनता ही है, या ये कहें कि उन्होंने अतुलनीय स्टेप्स लिए हैं। कि सीमाएं बंद करना तो सबसे पहला था, किसी भी देश ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले किया है। सर, जनता कर्फ्यू को लेकर आज इस विषय में भी कुछ साफ बताइए। जनता कर्फ्यू, जनता इतनी समझदार हो गई है कि उन्होंने अपने आप बंद रखा। कभी मेरे 70 साल के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखने में आया कि जनता ने स्वेच्छा से इतना बंद रखा और अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की बातों को पूर्ण रूपेण सम्मान दिया। आपका नाम? मेरा नाम, मैं डॉक्टर जीपी सोनी, 70 वर्ष का हूँ और खातेगांव में पिछले 45-47 वर्षों से सेवाएं दे रहा हूँ। थैंक यू सर।